वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विवेक कुमार जैन, जो कि एमपी शिवपुरी में प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार कानून गुरुज की इस पूरी टीम को। सर, आज आपका आना और टाइम स्पेयर करना हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है, एंड पूरी जो कानून गुरुज टीम है वो आपको थैंक्स बोलती है। और सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, यानी टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना जो भी अब तक का लिटिगेशन जर्नी रहा है, जो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं लीगल फील्ड में, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। जी, मेरा बेसिक लॉ 2015 में हुआ था। उसके बाद मैं LLM परस्यू करने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे ग्वालियर सिटी है वहाँ गया था। मीनवाइल मेरा सिलेक्शन जुडिशियल लॉ रिसर्चर MP हाई कोर्ट में हुआ। फिर मैं 2016 टू 2021 लगातार वहाँ जुडिशियल लॉ रिसर्चर रहा कई ऑनरेबल जजेस के साथ। 2021 में ये कोविड के बाद मैंने अपना खुद का स्टार्ट करने का सोचा और मैं यहाँ जुलाई 21 से इस फील्ड में आया। अच्छा अनुभव रहा मेरा एज अ जुडिशियल लॉ रिसर्चर भी MP हाई कोर्ट में। आई गेट वेरियर फील्ड ऑफ लॉ एज अ लॉ रिसर्चर और मुझे कानून को बहुत अच्छे से समझने का वहाँ मौका भी मिला। ओके सर, तो सर आपका जो मेन एक्सपर्टाइज एरियाज या जो प्रैक्टिस की जो लोकेशंस रहती है वो कहाँ कहाँ रहती है, यानी कि आप सिर्फ ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपीयर होते हैं, किन किन कोर्ट्स में आपका रहता है? मेरा रेगुलरली हाई कोर्ट्स में विजिट रहता है और कुछ केसेस में मैं सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाता हूँ केसेस। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं ऑल ओवर इंडिया जैसे भी मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं मैं सभी जगह सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और रेगुलरली ट्रायल कोर्ट और MP हाई कोर्ट में रेगुलरली रहता हूँ। बिल्कुल सर, ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक लॉयर का पूरे लॉ यानी पूरी जो कोर्ट्स हैं उनमें अपना रिप्रेजेंटेशन करना, यानी प्रेजेंट होना, अपने आप को अपियर करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज ट्रायल कोर्ट में है तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक रह गए, हाई कोर्ट में है तो सिर्फ हाई कोर्ट तक जो है हम रह गए, या सुप्रीम कोर्ट में है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक रह गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग ए लॉयर ऐसा होना चाहिए कि आप सारी कोर्ट्स में, सारे ट्रिब्यूनल्स में, सब जगह अपीयर हो, कोई भी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, जो कि मुझे आपके साथ देखने को मिल रहा है। जी, तो यहाँ से फैक्ट्स ट्रायल कोर्ट रहता है, फैक्ट्स कोर्ट। तो जब भी हम मीन्स रूट जो है उस पे लॉ का अच्छा कमांड होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रायल कोर्ट को अपनी लिटिगेशन के लिए चुना। लेकिन मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ, इसलिए चूंकि जो लॉ का अपडेशन है वो हाई कोर्ट और रूल सुप्रीम कोर्ट से भी होता है, तो इसलिए कहीं बाउंडेशन नहीं है लीगल फील्ड में मेरे लिए। मैं ट्राइब्यूनल्स में भी अपियर होता हूँ और सभी जगह सभी कोर्ट्स में मेरा वर्क रहता है। बिल्कुल सर, तो क्या अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस या सबसे बेस्ट केस लॉ जो आपका रहा है, या केस रहा है, या एक्सपीरियंस रहा है? जी, वो क्रिमिनल साइड एक बेल केस था जिसमें एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड था लगातार 2 ईयर से ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ही। उसने अपना घर चला गया था, इस कारण उसको यहाँ पुलिस ट्रेस नहीं कर रही थी। उन्होंने एब्सकॉन्ड का फॉल्स केस उसके अगेंस्ट रजिस्टर किया था और उसको कस्टडी में ले लिया था। ही उसके जो परिजन थे वो मेरे पास आए तो मैंने उनका रिप्रेजेंट किया केस में, बेल केस था। और मतलब लॉर्डशिप जो ऑनरेबल हाई कोर्ट थे उन्होंने उस सारे फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद उसको बेल ग्रांट किया। तो उसके जो बाद में उसके परिजन लोग मेरे पास आए और मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया, तो वो क्या अच्छा अचीवमेंट था। क्योंकि उसकी पर्सनल कुछ डिफिकल्टीज थी इस कारण वो पुलिस कस्टडी में मतलब इन्वेस्टिगेशन में उसने सहयोग नहीं कर पाया था, लेकिन उसको बेल दिलाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये न्याय दिलाने के लिए प्रोफेशन मैंने चुना है और वो बहुत अच्छी चीज़ मेरे लिए रही। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है, यानी और जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स लॉयर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि स्टार्टिंग में ही जो है अपने कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप रखना है कि आगे जो है इश्यूज ना आए। जी ओके सर, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अपने आप में यूनिक है और इंटरेस्टिंग है। रीज़न बीइंग कि जनरल लाइफ में जो है, रूटीन की लाइफ में जो है, एक आम पब्लिक जो है, एक आम इंसान जो है, इस प्रॉब्लम को फेस करता है। जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
जो कि ओल्ड लॉ को सुपरसीड करके जो है नए अमेंडमेंट के साथ में एक नए रूप में निकल के आया है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि उपभोक्ता अधिनियम क्या है या कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। जी पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था 1930 में, जहाँ उपभोक्ता को बोला जाता था कि कोई सामान खरीदो तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप पूरा नाप तोल के उसको देख के खरीद खरीदिए। उसमें एक प्रिंसिपल भी, लीगल मैक्सिम था, कैवियट एम्प्टर, सेक्शन 16 उसके बारे में स्टिपुलेट करता है कि भाई आप कोई मतलब आप सावधानी से कोई भी चीज़ खरीदिए, अगर आप फ्रॉड हो जाते हो तो इसमें आपका ही दोष है। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे, लेकिन जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 38, इसके बारे में बताते हैं कि भाई आप उपभोक्ता हैं तो आपके भी कोई अधिकार हैं, तो आपके अधिकारों के को प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने, पार्लियामेंट ने 1986 में कंज्यूमर लॉ सबसे पहली बार पारित किया, जिसमें उपभोक्ताओं के भी कोई अधिकार, उपभोक्ताओं के कुछ उन्होंने कुछ शिक्षाएं जरूरी प्रदान करने का उन्होंने धारा 6 में प्रावधान किया कि भाई उपभोक्ता को अपने प्रोडक्ट लेते समय कंपेयर करने का अधिकार है, कानूनी उपभोक्ता संबंधी शिक्षा का अधिकार है, और सभी कुछ सेवाओं का भी अधिकार उन्हें मिला, और जिससे वो अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों का उपयोग कर सके और उन्हें धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो उसके बाद अब लगातार चूंकि उपभोक्ताओं का मंच बढ़ता जा रहा है, ये पहले केवल उपभोक्ताओं में प्रोडक्ट से संबंधित था, सेवाओं को उसमें इंक्लूड किया गया, उसके बाद अब 2019 में नया कानूनी प्रावधान भी जो है लाया गया है पार्लियामेंट द्वारा, उसमें भी कई सारे व्यापक प्रावधान उन्होंने सम्मिलित किए हैं उपभोक्ता कानून। अच्छा, कितनी लिमिट होती है एक एक उपभोक्ता अधिनियम के तहत परिवाद फाइल करने के लिए? प्राइस लिमिट जो है वो कितनी होगी और किस किस प्रकार से जो है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में किस तरीके से जो है परिवाद को फाइल किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा? जी परिवाद फाइल करने के लिए पहले बहुत लिमिटेड अमाउंट था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, व्यक्तियों को, ग्राहकों को जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या इन्हें प्रॉपर सर्विसेज विक्रेता के द्वारा नहीं दी गई है, वो उन्हें राज्य उपभोक्ता फोरम संपर्क करना पड़ता था। लेकिन जो 2019 का जो अधिनियम है, पार्लियामेंट जो उसको लेकर आई है, उसमें 1 करोड़ रुपए तक के आप केसेस हैं उसको आप केवल जिला स्तर में जो उपभोक्ता मंच उन्होंने तैयार किए हैं उनकी जुरिडिक्शन में उन्हें लाया गया है। मतलब 1 करोड़ रुपए तक का आपका कोई क्लेम है तो आप उसको जिला उपभोक्ता प्रतिदोषण आयोग में ले जा सकते हैं, और इसमें कोर्ट फीस भी बहुत लिमिटेड रहती है, अप टू 5 लाख रुपीज़ पार्लियामेंट ने इसको बिल्कुल निःशुल्क रखा है, तो ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसानी से अधिकारों को अपने अधिकारों को मतलब ले सकते हैं। जी सर, तो सर ये सेवा दोष और रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी जैसे अनफेयर प्रैक्टिस रहता है, ये सेवाओं के संबंध में डिफिशियंसीज करते हैं कोई विक्रेता, कि भाई हमने कोई चीज़ ली उसके बारे में हमें सर्विसिंग प्रोवाइड करने का भी उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सेवा में कमी मानी जाएगी। पहले क्या माल से संबंधित ग्राहकों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने सेवाओं के संबंध में भी उन्हें स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, भाई आप अगर कोई प्रोडक्ट अपना या सर्विसेज आप किसी को देते हैं तो भाई आपको प्रॉपर उसको जो है जब तक उसका लाइफ टाइम है उसको आपको सर्विस देनी पड़ेगी। ओके सर, तो सर ये जो पुराना जो एक्ट है 1986 और ये जो नया एक्ट है 2019, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या ऐसा रीजन था कि अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी या नया एक्ट आने की जरूरत पड़ी? जो 1986 में जो स्तर पर पार्लियामेंटेरियन था, जब उस समय उन्होंने जो संसद ने ये कानून पेश किया, उस समय बहुत सी चीज़ें नहीं थी। अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आज की डेट में इतना एक्सटेंड हो गया है कि उसको पुराने एक्ट में इतने ज़्यादा संशोधनों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने 2019 में एक नया अधिनियम पारित किया। अब इसमें एक रेगुलेटर का अरेंजमेंट किया गया है कि भाई एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी रहेगी, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड
सभी उनको ऑब्जर्व करेगी, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो स्यू मोटो भी कॉग्निजेंस उनके अगेंस्ट ले सकती है। इसके अलावा मीडिएशन सेल्स इन्होंने डेवलप की हुई है, इसमें उपभोक्ता और जो अपोजिट पार्टी है शिकायत के संबंध में, वो प्री लिटिगेशन स्तर पर आपस में समझौता करके भी जो है केस को सुलझा सकती है, और ये सब फैसिलिटी जिला उपभोक्ता आयोग जो है प्रदान करते हैं। इसके अलावा पैनल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, भाई नॉन कम्प्लायंसमेंट ऑफ ऑर्डर रहेगा किसी उपभोक्ता विवाद का निर्णय का, तो उसमें जिला उपभोक्ता न्यायालय को, आयोग को और राज्य उपभोक्ता आयोग को इसमें पेनल प्रोविजन लगाने का भी पावर दिया हुआ है, और उसके लिए है ना JMFC का कोर्ट माना जाएगा। ओके सर, सर इसमें आगे हम इस बारे में बात करना चाहेंगे, या ये मैं जानना चाहूंगी कि एक पीड़ित पक्ष है, एक पीड़ित आदमी है, चाहे वो सेवा दोष से हो या किसी भी तरीके से वो पीड़ित हो, उपभोक्ता है, अगर वो व्यथित होता है तो किस प्रकार अपना परिवाद वो फाइल करेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में एक आप विस्तार से बताएं। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि नॉन लॉ बैकग्राउंड से है, ठीक है, एडवोकेट के पास भी नहीं जाना चाहता है, तो भी उसके पास में एक सफिशियंट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उस चीज का आंसर मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, उपभोक्ता जो आयोग है उनका पहला ऑब्जेक्ट यही था कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए स्वयं उपभोक्ता मंच तक जाए, उतनी उसको सहूलियत दी जाए। तो उसमें आपको अपनी एक शिकायत सादे कागज पर, ये जरूरी नहीं कि आप प्रॉपरली ड्राफ्टेड हों, भाई आपके जो तथ्य हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं केस से रिलेटेड, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए पूरे। आपको लॉ की भी इतनी आवश्यकता नहीं है इसमें, आप उस ज्यूरिडिक्शन में हैं या नहीं। इसमें भी अब 2019 के प्रावधानों में आपने सेवा किसी अन्य स्थान पर भी लिया, या आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति ने भी सेवाएं ली हैं, जैसे किसी मित्र ने अपने मित्र के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको दूसरे ज्यूरिडिक्शन में उन्होंने सेंड कर दिया, तो जिस व्यक्ति ने वास्तव में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है या सेवा को कंज्यूम किया है, वो भी उसके ज्यूरिडिक्शन पर वो भी कंज्यूमर माना जाएगा और वो भी फाइल कर सकता है इसको। तो इसमें क्या है कि आप सादे कागज पर एक शिकायत जो है कंज्यूमर फोरम में पेश करते हैं, और इसमें इतना शीघ्र आपको न्याय मिलता है कि कंज्यूमर प्रावधान अधिनियम में भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि आप 3 महीने में इसको डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। तो अपोजिट पार्टी जैसे ही उसमें अपियर होती है, उसके बाद उनको 30 महीने का एक टाइम लिमिटेशन दे दिया है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि भाई जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं को उचित न्याय दिलाया जाए। तो एक सादे कागज पर आप अपनी शिकायत लेके जो है कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, वहाँ उसको वो प्रारंभिक आप उनको बताएं समझाएं कि भाई हमारे साथ इस तरह से ये फॉल्टी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, या फिर हमें सेवाओं में डिफिशियंसीज दी हुई हैं, तो सेवा में कमी की हुई है, सेवा दोष दिया हुआ है, तो आप उसको वो उसको एडमिट करके जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर फोरम के और जो सदस्यगण हैं, उसको एडमिट करके नोटिस इशू कर देंगे, और इसके बाद फिर आपको शीघ्र अति शीघ्र जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा, आपको जो है आपके ग्रीवांस के अकॉर्डिंग वो उसको रिड्रेस कर सकते हैं। सर बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था, हम कहीं जी पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बीच में जो है सॉर्टेड हो जाएगा, आप जो प्रोसेस बता रहे थे अपना फाइलिंग का, उसी फाइलिंग के प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए जी जो मेरे भी ख्याल से। व्यथित जी आप बोलिए सर। जी जो भी व्यथित व्यक्ति हैं, वो सादे कागज पे अपना एक शपथ पत्र के साथ जो है आयोग में, अपनी जिला आयोग में अपनी शिकायत रख सकता है, और उस पर उचित कार्रवाई आयोग करती है। और वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये मीन्स अपनी बात रखने में सहज नहीं है, तो उन्हें लीगल एड भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये लीगल एड किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो एडवोकेट करना पड़ेगा उसकी फीस पे करनी पड़ेगी अमूमन हर क्वेश्चन में, तो आप सारे केसेस के रिगार्डिंग जो है ये चीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। भारतीय संसद ने एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया हुआ था,
उसमें उन्होंने बताया है कि भाई आप किस तरह से लीगल एड की सेवाएं भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अच्छे संसाधनों से युक्त नहीं है, जो व्यक्ति किसी को भी न्याय की हानि ना हो, पहला जो संविधान का निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A, ये मैंडेट देता है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो, सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण हो और सभी के साथ समता हो। आर्टिकल 14 भी इस बारे में प्रावधान करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो गरीब हो जो अमीर हो, बिना इस तरह का भेदभाव किए हुए सभी को जो है आपको न्याय से वंचित कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में हर जगह विधिक प्राधिकरण बनाए हुए हैं, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इस तरह से आपको बिना एडवोकेट के नहीं कर सकते, तो वहाँ एक सादे कागज पर आप आवेदन दें, वहाँ आपके आवेदन पर विचार करके आपकी हैसियत के अनुसार, आप बीपीएल धारी कार्ड धारी हैं या आपके पास पर्याप्त तो साधन नहीं है, आप अपना अधिवक्ता नहीं इंगेज कर सकते अपने केस में, तो वो उस पर विचार करके आपको उचित राहत, उचित रिलीफ दिला सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर किस तरीके से जो है उपभोक्ता अधिनियम में अपील जो है वो फाइल की जाती है, यानी अपील किस तरीके से की जाएगी और अपील फाइल करने की क्या प्रक्रिया रहेगी? जी, अपीलेट प्रोविजन 51 सेक्शन में नेशनल फोरम में और 41 सेक्शन में राज्य फोरम में करने का प्रावधान दिया हुआ है। इनको राज्य फोरम में आप 45 दिन के भीतर ऑर्डर प्राप्त होने के, अगर आप व्यथित हैं उस ऑर्डर से, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। ये लिमिटेशन थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कभी कभी हो सकता है कि भी आपको लिमिटेशन के कारण रिलीफ राज्य आयोग ना दे, आपके पास सफिशियंट रीजंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट हमेशा विजिलेंट लोगों की मदद करने के लिए रहता है, न्याय का सिद्धांत है। तो आप अपने टाइम पीरियड में, आप विद फॉर्मेट में, जो उसका फॉर्मेट अपील का रहता है, आप राज्य फोरम में अपने ऑर्डर के अगेंस्ट तथ्य और विधि दोनों की आधार पर आप अपील फाइल कर सकते हैं। और अगर आप राज्य फोरम में, आपका आप व्यथित हैं, राज्य फोरम के आदेश से व्यथित हैं, तो आप नेशनल फोरम में भी 30 दिन के भीतर अपील फाइल कर सकते हैं। इसके बाद भी संसद ने एक और आपको रिलीफ दी हुई है कि अगर आप राष्ट्रीय आयोग के आदेश से भी व्यथित हैं, सेकंड अपील के बाद भी आपको लगता है कि आपके साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पाया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील अपनी दायर कर सकते हैं। जी सर। तो सर ये जो तीनों फॉर्म है, जो राष्ट्रीय फॉर्म है अपना, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है अपना, ठीक है राज्य स्तरीय वाला फॉर्म है, ये तीनों चीजें क्या हैं या किस तरीके से इनमें डिफरेंशिएट होता है? सबसे पहले तो ज्यूरिडिक्शन का, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है। अगर आप 1 करोड़ से कम का आपका क्लेम है, तो आप जिला स्तर पे आपकी सुनवाई की जा सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो अपीलेट प्रोविजन्स हैं, तो अपीलेट प्रोविजन जिला स्तर के जो न्यायालय हैं, जिला स्तर के जो आयोग हैं, उनका अपील राज्य आयोग का गठन किया गया है, आप अपील राज्य आयोग में कर सकते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आयोग भी है, उसमें भी आप इस तरह की अपील कर सकते हैं। और इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी है, जैसे 1 करोड़ से ऊपर का आपका कोई मामला है, तो आप सीधे राज्य आयोग में जा सकते हैं 10 करोड़ रुपए तक के मामले के लिए। इसके बाद अगर आपका 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का उपभोक्ता मामला है, जिसमें आपके साथ सेवा में कमी की गई है, या फिर आपके फॉल्टी प्रोडक्ट, आपको फॉल्टी सामान आपको दिया हुआ है विक्रेता द्वारा, तो आप जो है डायरेक्ट 10 करोड़ रुपए से ऊपर की उसकी वैल्यूएशन है, तो आप डायरेक्ट आपको जो है राष्ट्रीय आयोग में आपका परिवाद फाइल करना होगा। ओके सर। यानी इस तरीके से जो है पिक्यूनरी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तय होता है। पिक्यूनरी का मतलब है कि धन संबंधी अधिकारिता, जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये नॉलेज, और हमारे जो व्यूवर्स जो है कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सर जो है उन सारे जो भी क्वेरीज का जो है डेफिनेटली आंसर देंगे। काफी जरूर अच्छा आपने जो है कंज्यूमर एक्ट को जो है बताया है। सर मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि कानून गुरुज परिवार से, कानून गुरुज प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े हुए काफी समय हो गया है, तो मैं आपके जो व्यूज हैं वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, एक बहुत अच्छा मंच है अधिवक्ताओं के लिए, और अधिवक्ताओं के साथ में एक जनसाधारण के लिए भी, क्योंकि
क्योंकि ये जो व्यूज जो अधिवक्ता गण अपने प्रस्तुत करते हैं इस मंच के माध्यम से, वो आम नागरिक जो यहाँ से देख के भी जिसके मन में थोड़ा डर है कि भाई हम कोर्ट कैसे पहुँचें या हमें मार्गदर्शन मिले, तो विभिन्न विषयों पर लेकर आप लोग ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है आपकी। इसके साथ ही एक चीज़ और है कानून गुरुज की, आप लोग सुप्रीम कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स का जो हेड नोट पब्लिश करते हैं वो वाकई हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में जो व्यक्ति जिसमें कन्वीनियंट हो, जिस भाषा में कन्वीनियंट हो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो वास्तव में आपका बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छी ओपिनियन जो है सर आपने कानून गुरुज के लिए दी है, और सर हम काफ़ी थैंकफुल हैं आपके लिए, आपके टाइम के लिए, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का भी धन्यवाद।